हेलो भाई लोग, जैसे कि आज का ये हमारा वीडियो भाई PIDO के न्यू लॉन्च बेस स्पीकर के ऊपर होने वाला है। जैसे कि PIDO की तरफ से 18 इंची में न्यू लॉन्च स्पीकर देखने को मिल जाता है। जैसे कि इस स्पीकर का वाटेज भाई 1500 वाट होने वाला है। और जैसे कि भाई आप PIDO यूजर है, जैसे कि PIDO का स्पीकर यूज कर रहे हैं तो जान रहे हैं PIDO का स्पीकर जो भी होता है बेस एंड वाइब्रेशन के लिए, जैसे कि प्रेशर इस स्पीकर में हमको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप लोग जान ही रहे भाई, ये स्पीकर हमको 1500 वाट में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ में बात कर लेते हैं इस स्पीकर के एम्प्रोस प्राइस की, जैसे कि ये स्पीकर हमको हमारे मार्केट में कितने प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगा। तो फुल डिटेल के साथ ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लेना, जैसे कि हम DJ से रिलेटेड इसी तरीके से वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो PIDO का न्यू लॉन्च यहाँ पे स्पीकर देखने को मिल जाता है। 18 इंची में बेस स्पीकर हमको देखने को मिल जाता है। मॉडल नंबर की बात की जाए तो मॉडल नंबर हमको GS18 1500V3, जैसा कि इसका मॉडल नंबर देखने को मिल जाता है। और स्पीकर हमको कुछ लुक वाइज इस प्रकार से देखने को मिल जाता है फ्रंट पैनल में। और जैसा कि इसका पेपर कोन आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज किया गया है इसमें। और जैसा कि यहाँ पे आप इसका स्पाइडर और कनेक्शन वायर देख सकते हैं, लीड वायर, जैसा कि काफ़ी फिनिशिंग के साथ और काफ़ी मजबूत दिया गया है। और जैसा कि इसका चेचिस आप देख सकते हैं, पेवर एल्युमिनियम में हमको देखने को मिल जाता है। तो इस स्पीकर का बैक लुक आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिल जाएगा। और इसके बैक पैनल में देखेंगे इसका मैग्नेट साइज जो होने वाला है भाई, काफ़ी बड़ा साइज हमको देखने को मिल जाएगा। मैग्नेट काफ़ी बड़ा इसमें दिया गया है। और जैसा कि एयर वेंटिलेशन निकालने के लिए, जैसा कि भाई हीट सिंक निकालने के लिए यहाँ पे हमको काफ़ी ज़्यादा होल देखने को मिल जाएगा। इसके थ्रू हमारा जैसा कि होइस कॉइल जो इसमें यूज होता है वो कितने लॉन्ग टाइम तक चले भाई, कॉइल आपका जलेगा नहीं और काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। और जैसे कि लीड वायर का जो टर्मिनल हमारा यहाँ पे होता है PIDO का, इसमें भी हमको ब्रांडिंग देखने को मिलेगा, जो कि इस स्पीकर का मॉडल नंबर आप देख ही सकते हैं GST18 1500V3, जैसे कि इसका मॉडल नंबर ही हमको देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस स्पीकर के पावर की, जैसे कि ये हमारा स्पीकर 1500 वाट IS पावर में देखने को मिल जाएगा और 3000 वाट जैसे कि कंटिन्यूस प्रोग्रामिंग पावर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि 3000 वाट ये लोड झेल सकता है। फ्रीक्वेंसी रेंज की बात की जाए तो 40 से लेके भाई 800 हर्ट्ज तक को इसका फ्रीक्वेंसी रेंज देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं जैसे कि इस स्पीकर के सेंसिटिविटी की, जैसे कि सेंसिटिविटी हमको इस स्पीकर का 96 dB सेंसिटिविटी के साथ देखने को मिल जाता है। काफ़ी तगड़ा इस स्पीकर में बेस एंड वाइब्रेशन हमको देखने को मिल जाएगा। और इंपेडेंस की बात की जाए तो जैसा कि ये हमारे स्पीकर 8 ओम में वर्क करेगा। इस स्पीकर में होइस कॉइल जो यूज किया गया है 5 इंची का होइस कॉइल देखने को मिल जाता है हमको इन आउट वेंडिंग के साथ, जैसे कि प्योर कॉपर का हमको इसमें होइस कॉइल देखने को मिल जाएगा। और आप जान ही सकते हैं PIDO यूजर है तो आप लोग जान ही रहे PIDO का स्पीकर है और 5 इंची का होइस कॉइल यूज किया गया है, तो इससे ही मालूम चल जाता है इस स्पीकर में बेस एंड वाइब्रेशन काफी तगड़ा देखने को मिल जाएगा। और जो इस स्पीकर का पंच होगा काफी प्रेशर के साथ हमको देखने को मिलेगा। नेट वेट की बात की जाए तो जैसे कि इस स्पीकर का नेट वेट हमको 24 kg 800 ग्राम में देखने को मिल जाएगा। इस स्पीकर का नेट वेट 24 kg 800 ग्राम इसका नेट वेट होने वाला है। तो भाई आप लोग PIDO स्पीकर यूज किए होंगे या यूज कर रहे हैं तो आप लोग जान ही रहे होंगे PIDO का जो भी स्पीकर हमको देखने को मिलता है भाई IS पावर में ही स्पीकर देखने को मिलता है। RMS पावर में वो कन्वर्ट करेंगे तो भाई IS पावर हमको उसका मतलब कम ही देखने को मिलेगा। RMS पावर हमेशा बढ़ता है और जैसे कि IS पावर हमको RMS पावर के कम ही देखने को मिलता है। तो आप लोग जान ही रहिए भाई IS पावर जो हमारा होता है वो कम होता है, RMS पावर हमेशा ज़्यादा होता है। जैसे कि इसी स्पीकर को RMS पावर अगर आप लगा के सोच रहे चलाएं तो आपका स्पीकर डैमेज हो जाएगा, तो 100% ये स्पीकर जल जाएगा। तो IS पावर जो होता है कम होता है, जो कि भाई आप मान ही सकते हैं भाई IS पावर जैसे कि RMS पावर में अगर आप कन्वर्ट करते हैं जैसे कि 1.3 में जैसे कि आप भाग देते हैं तो आपका जो वाटेज निकल के आएगा एसी स्पीकर जैसे कि 1500 वाट IS पावर में ये स्पीकर है 1.3 का हम भाग देंगे तो भाई हमारे इस स्पीकर को जो वाटेज होगा भाई 1150 इस स्पीकर का पूरा वाटेज होगा, जैसे कि RMS पावर हमको 1150 वाट में ये स्पीकर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इस स्पीकर के एम्प्रोक्स प्राइस के, जैसे कि इस स्पीकर का जो प्राइस होने वाला है 20,000 से 22,000 के बीच में आपको ये स्पीकर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपके मार्केट में ये स्पीकर जैसे कि 1000-2000 ऊपर नीचे देखने को मिल जाएगा, हमारे मार्केट में इस स्पीकर का प्राइस 20,000 देखने को मिल जाता है। तो आई होप कि भाई आपको अच्छे से मालूम चल गया होगा
जैसा कि इस स्पीकर के बारे में जो भी डिटेल्स था तो हमने आपको बताया। तो PIDO का ये स्पीकर आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई हम DJ से रिलेटेड इसी तरीके से वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।